हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंग्लिश एजुकेशन में, जहां पर आप सीखते हैं इंग्लिश राइटिंग, रीडिंग और स्पीकिंग। यहां पर आज हम सीखने वाले हैं हैव और हैज का इस्तेमाल। ठीक है, ये कुछ सेंटेंस हैं जो अगर आप हैव और हैज को डिटेल से समझेंगे तो फिर इन सेंटेंस को आप इंग्लिश में बना सकते हैं और बोल सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हैव, हैज और हैड। अब आपको बता दूं, है और हैज प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं, जिसको आप वर्तमान काल कहते हैं। हैड पास्ट में यूज़ होता है, जिसको आप भूतकाल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इनका हिंदी क्या होता है ये जानते हैं। इनका हिंदी अर्थ होता है पास। ठीक है, क्या होता है पास। जैसे कि एग्जांपल में, मेरे पास एक फ़ोन है, ठीक है, आपके पास एक घड़ी है, राहुल के पास एक चाबी है, उसके पास एक कार है, आपके पास एक घर है। ऐसे जितने भी सेंटेंस जहां पर आप ये बताते हो कि आपके पास ये है या आपके पास ये नहीं है, तो आप पास शब्द के लिए हैव या हैज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गई इनका हिंदी क्या होता है और इस्तेमाल कैसे करना है। अब जानते हैं कुछ रूल्स बनाने के। तो रूल्स ये है कि सब्जेक्ट अगर आपका आई हो, या फिर यू हो, या फिर वी हो, या फिर दे हो, या फिर टू नेम या उससे ज़्यादा हो, है ना, दो से अधिक नाम हो, यहाँ पर आप हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैव। तो इनके साथ आपको हैव का इस्तेमाल करना है। हैज़ किसके साथ होगा? तो हैज़ देखिए, अगर आपको सब्जेक्ट ग्रुप में ही दिखा, सी दिखा, या किसी एक व्यक्ति का नाम या इट दिखा, यहाँ पर आप लगाओगे हैज़। क्या लगाओगे? हैज़। ठीक है, अब हैड का क्या रूल है? तो हैड का कोई रूल नहीं है, वो सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे आई हो, चाहे सी हो, चाहे यू हो, चाहे ही हो, सबके साथ हैड लगेगा, क्योंकि ये पास्ट में यूज़ होता है। पास्ट में किसी के लिए कोई रूल नहीं, एक हेल्पिंग वर्ब जो है वही सब में लगेगा। ठीक है, तो जब आप ये कहेंगे कि मेरे पास एक घड़ी था, मेरे पास एक फ़ोन था, तो लास्ट में अगर था या, तो आप वहाँ हैड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये रूल आपको जानना है कि किनके साथ हैव लगेगा और किनके साथ हैज़ लगेगा। तो आपको ये रूल अच्छे से याद कर लेना है, फिर जा कर के अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सेंटेंस कैसे बनाना है। ठीक है, तो सेंटेंस काफ़ी सरल है, कोई बड़ी बात नहीं है, सेंटेंस भी हम इजीली बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस पीले डब्बे में आप देख सकते हैं मैंने दिया है, जो कि लिखा हुआ है मेरे पास एक फ़ोन है। मेरे को आप कहेंगे आई, ठीक है, मेरे को आप क्या कहेंगे? आई। पास को आप कहेंगे हैव, तो लिख दीजिए हैव। एक को आप कहेंगे अ, फोन को आप कहेंगे फोन। मेरे पास एक फोन है, आई हैव अ फोन। ठीक है, दूसरा है आपके पास एक घड़ी है, अब आपके को बोलेंगे आप यू, तो यू हैव अ वॉच। ठीक है, आपके को आपने यू कहा, पास को हैव कहा, एक को अ कहा, घड़ी को घड़ी कहा। अब हर एक का मतलब ये नहीं होता, आपको ये ध्यान देना है कि एक के बाद जो लिखा हुआ है उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसकी ध्वनि क्या है, उच्चारण करने पर उसमें स्वर की ध्वनि आ रही है कि वॉवल्स की। अगर स्वर की ध्वनि आती है तो आप वहाँ ए नहीं, आप वहाँ एन लिखेंगे, और अगर व्यंजन की ध्वनि आती है तो फिर आपको ए लिखना है। जैसे फ़ोन में फ पहली ध्वनि है, एक व्यंजन कॉन्सोनेंट है, इसलिए मैंने ए लगाया। वॉच व भी एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए मैंने ए लगाया। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ आपके पास एक आईफोन है, तो मैं कहूँगा आपके पास यू हैव आईफोन। तो ध्यान दीजिए, अब आईफोन जब उच्चारण करते हैं आईफोन, तो पहला ध्वनि आ, आ क्या है, एक स्वर है, वॉवल्स है, वॉवल्स के कंडीशन में आपको वहाँ एन लगाना है, तो आप कहेंगे यू हैव एन आईफोन। समझ आया? ये रूल होता है, तो काफ़ी सरल है, बस याद रखिए कि ए कब लगेगा और एन कब लगेगा। और आपको इसको डिटेल से समझना है तो मैंने आर्टिकल में इसको समझाया है, जो कि मैंने अभी हाल ही में अपलोड किया है, आप मेरे चैनल के अंदर विजिट करके देख सकते हैं आर्टिकल्स। उसके ग्रामर के क्वेश्चन भी मैंने अपलोड किया था, ताकि आपको अच्छे से बने। अगला है, राहुल के पास एक चाबी है। अब राहुल क्या, एक थर्ड पर्सन है, एक नाम है, नाम के साथ मैंने आपको हैज़ बताया था, इस वाले रूल को ध्यान रखना है।
तो राहुल, तो हम लिखेंगे राहुल। अब राहुल के साथ हैव नहीं लगेगा, हैज़ लगेगा, तो आप कहेंगे हैज़ राहुल के पास, राहुल हैज़, है ना, राहुल हैज़ अ की। चाबी को आप क्या बोलते हैं, की बोलते हैं, तो राहुल हैज़ अ की, ठीक है। उसके पास एक कार है। अब उसके हम जिसको बोल रहे हैं, अगर वो लड़का हुआ तो आप ही कहेंगे, अगर वो लड़की हुई तो आप सी कहेंगे। तो आप बातों के समय समझ सकते हैं कि वो किसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर आप ही या सी दोनों लगा सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। एक्चुअल में इस्तेमाल एक होगा, अगर वह लड़का है जिसके पास मतलब कार है, तो मैं कहूँगा ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है, ही हैज़ अ कार या सी हैज़ अ कार, ठीक है, इस तरह से बनाना है, ठीक। अब इतना समझ लिए तो क्यों ना हम पास्ट को भी थोड़ा समझ लें, ठीक है। चलिए देखते हैं समझ करके। सेंटेंस आपके सामने, हाँ देखिए, अगर मैं कहता हूँ मेरे पास एक घर है, मैं कहूँगा आई, मेरे के लिए आई, पास के लिए हैव, एक के लिए अ, घर को कहेंगे हाउस। मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मेरे पास एक एप्पल है, ठीक है, तो आई हैव अ एप्पल या फिर आई हैव अन एप्पल। अब बताइए दोनों में से सही कौन सा है, कोई एक ही सही है। मैंने बताया था एक के लिए आप ए या एन का इस्तेमाल करेंगे, वो डिपेंड करता है कि उसके बाद वाला जो भी वर्ड है वो क्या लिखा हुआ है, उसकी उच्चारण क्या आ रही है, ध्वनि। तो जब आपने घर कहा तो उसका इंग्लिश होता है हाउस, हा, तो हा एक कॉन्सोनेंट में आता है इसलिए आपने वहाँ ए लगाया। जब स्वर वोवेल्स की ध्वनि आए तो आपको क्या लगाना है, एन लगाना है। तो एप्पल जब आप बोलते हैं एप्पल, तो ए एक स्वर होता है, और जब एक स्वर हो उच्चारण में तो आपको एन लगाना है। इसका मतलब सही कौन सा है आपका, तो सही आपका ये है, सेकेंड वाला, ठीक है बच्चों। तो इसलिए मैंने दिया था दोनों को, ताकि आप डिफाइन कर सको, अंतर को समझ सको, क्योंकि फाइंड द एरर का भी क्वेश्चन आता है, जहाँ पर गलत दिया रहेगा आपको उसको अंडरलाइन करना है और बताना है कि इसमें ये गलत है और सही कुछ ये आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, खासकर अगर आप स्कूल लेवल में हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं पास्ट के कुछ सेंटेंस, है ना। प्रेजेंट में हमने समझ लिया कि आई, यू, वी, दे के साथ हम हैव लगाएंगे, और अगर सी, ही या इट या किसी एक व्यक्ति का नाम है तो हम वहाँ हैज लगाएंगे। अब मैंने कहा ऑल सब्जेक्ट के साथ आप पास्ट में हैड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैड। तो जैसे कि मैं कहता हूँ मेरे पास एक घड़ी थी, मेरे पास एक घड़ी थी, तो मैं कहूँगा आई, पास के लिए अब आपको हैव का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको हैड का इस्तेमाल करना है, क्योंकि था या थी आ गया, तो आई हैड अ वॉच, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास एक चाबी था, तो आई हैड अ की, ठीक है। मेरे पास एक रोटी था, तो आई हैड अ चपाती, ठीक है। तो सेंटेंस आप ढेरों बना सकते हैं, बस आपको याद रखना है सब्जेक्ट जो भी हो, जब आप पास्ट में ऐसी बात कहते हैं कि आपके पास था, पास था, तो आपको सीधा हैड का इस्तेमाल करना है, किसका, हैड का, ठीक है। उसी तरह से हम कहते हैं राहुल के पास कार था, तो हम कहेंगे राहुल हैड अ कार, ठीक है। राहुल के पास बाइक था,
तो राहुल हैड अ बाइक, ठीक है। मैं कहता हूँ मेरे पास एक की फोन है या कीपैड माउस है, ठीक है। तो सॉरी, उसके पास, तो मान लीजिए वो एक लड़का है, तो मैं कहूँगा ही हैड अ कीपैड फोन, ठीक है। तो जितने ज़्यादा सेंटेंस आप बनाएंगे उतने ज़्यादा ही आपको याद होते जाएंगे, ठीक है। वैसे इंग्लिश में जो भी हम सीखते हैं उसको याद नहीं करना होता है, उसका प्रैक्टिस करना होता है। लिखने वाले बच्चे राइटिंग कर करके अपने अभ्यास करते हैं, स्पीकिंग करने वाले बच्चे बोल बोल कर अपना अभ्यास करते हैं, और इंग्लिश को समझने की दृष्टि से दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। आपको लिखना भी है, आपको बोल बोल के प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि सिर्फ लिखने से वो याद नहीं रहेगा, सिर्फ बोलने से भी याद नहीं रहेगा। अगर आप दोनों करते हैं तो आपको परफेक्ट याद रहेगा, क्योंकि आप अगर कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो जब आप रेगुलर लिखते रहेंगे तो वो मिस्टेक होने के चांस नहीं है, 0%। लेकिन आप सिर्फ स्पीकिंग करते हैं और आप स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दिए हैं, ग्रामर पे नहीं ध्यान दिए हैं, तो बाद में आपको दिक्कत हो सकता है, फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो दोनों साथ साथ अगर करते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इंग्लिश का अभ्यास करना है। तो आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं और इसको डिटेल से समझते हैं। प्रेजेंट के मैंने कुछ सेंटेंस दिए हैं, जैसे कि उसके पास बहुत पैसा है। ऐसे वाक्य हम कहते भी हैं, उसके पास बहुत पैसा है या वो बहुत अमीर है। तो उसके पास बहुत पैसा है, उसके पास, अगर वो एक लड़का है तो आप कहेंगे ही, उसके पास बहुत पैसा है, ही हैज़, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है तो उसके साथ हैज़ रहेगा। ही हैज़ बहुत को आप लॉट्स कहेंगे, पैसा को आप मनी कहते हैं। उसके पास बहुत पैसा है, ही हैज़ लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है। उसके पास माँ है, ही हैज़ अ मदर, अगर वो एक लड़की है तो सी हैज़ अ मदर होगा। मेरे पास कारखाना है, आई हैव फैक्ट्री, कारखाने को फैक्ट्री कहते हैं। मेरे पास दुकान है, दुकान को शॉप कहते हैं। मेरे पास दुकान है, आई हैव शॉप। राहुल के पास सरकारी नौकरी है, ऐसे वाक्य भी हम कहते हैं। राहुल हैज़ गवर्नमेंट जॉब, राहुल हैज़ अ गवर्नमेंट जॉब। गीता के पास एक साइकिल है, गीता हैज़ अ साइकिल। गीता के पास दिमाग है, या किसी भी व्यक्ति के पास अगर आप बोलते हैं कि उसके पास दिमाग है, तो यहाँ पर गीता की बात की गई है, तो गीता हैज़ अ ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ये कहें कि उसके पास एक विचार है, तो यहाँ पर आइडिया आ जाएगा, उसके पास एक विचार है या गीता के पास एक विचार है, गीता हैज़ अ आइडिया, ठीक। अब ये तो वह प्रेजेंट जहाँ पर जो थर्ड पर्सन के थे उसके साथ आपने हैज़ लगाया, जो फर्स्ट पर्सन है सेकेंड पर्सन है उसके साथ आपने हैव लगाया। मान लेते यही अगर पास्ट में होता, किस में होता, पास्ट में होता, तो पास्ट में होता तो सबके साथ यहाँ था लगा होता, क्या लगा होता, था हिंदी में, और उसे पहचानो जाता है ये पास्ट है। लेकिन फ्यूचर इंग्लिश में कैसे पहचान होगा, इंग्लिश में कुछ इस तरह से पहचान होगा, आपको करना ये रहेगा, इन्हें कन्वर्ट करना रहेगा, हैज़ को और हैव को हैड में बदलना है, बाकी कुछ भी नहीं बदलेगा। तो मैं अगर कहता हूँ उसके पास बहुत पैसा था, तो मैं कहूँगा ही हैज़ लॉट्स, सॉरी हैज़ को हटा देंगे, हैड आएगा, ठीक है। तो सी हैड लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है। उसके पास माँ थी, तो मैं कहूँगा ही हैड अ मदर, ये पास्ट हो गया। मेरे पास फैक्ट्री था, तो मैं कहूँगा आई हैड अ फैक्ट्री, ठीक है। अब एक फैक्ट्री की बात नहीं है तो आप ए नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, या लगा भी देंगे तब भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। फैक्ट्री, मेरे पास दुकान था, तो मैं कहूँगा आई हैड शॉप, ठीक है। राहुल के पास सरकारी नौकरी थी, तो राहुल सब कुछ सेम रहेगा, हैड गवर्नमेंट जॉब।
गीता के पास साइकिल थी, गीता हैड अ साइकिल। गीता के पास दिमाग था, गीता हैड अ ब्रेन, या विचार था तो आइडिया। ठीक है, तो यही पास्ट का हो गया, समझ आया। अब मान लेते हैं यही फ्यूचर होता, क्या होता, फ्यूचर होता। तो फ्यूचर होता तो आप क्या करते, तो फ्यूचर में आप विल हैव लगाते, क्या लगाते, विल हैव। जैसे अगर आप ये कहते हैं मेरे पास साइकिल होगा, मेरे पास साइकिल होगा, अगर आप ऐसा कहते हैं, ठीक है, मेरे पास साइकिल होगा, या आप ये कह सकते हैं आने वाले समय में मेरे पास भी साइकिल होगा, है ना। ऐसे आप कुछ वाक्य कह सकते हैं, तो आप कहेंगे आई विल हैव, विल हैव लगाना है फ्यूचर की बात हो तो, आई विल हैव साइकिल, मेरे पास साइकिल होगा, आई विल हैव साइकिल। आने वाले समय में मेरे पास साइकिल होगा, तो आई विल हैव साइकिल नियर फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि आप आने वाले समय में बात कर रहे हैं तो वो फ्यूचर की बात थोड़ी है, तो आप सिर्फ फ्यूचर बोल सकते हैं या नियर फ्यूचर कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप फ्यूचर के भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो आज आपने हैव हैज को अच्छे से समझा, जाना कि किसके साथ हैव लगते हैं, किसके साथ हैज लगते हैं, और कुछ कुछ सेंटेंस भी हमने देखा। तो इस तरह से हमने कुछ अभ्यास किया, प्रेजेंट में भी सेंटेंस को बनाया, पास्ट में भी बनाया और फ्यूचर में भी बताया। ठीक है, अब मैं आपको देता हूँ होमवर्क, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और कमेंट करके बताना है कि किसका आंसर क्या क्या आएगा। ठीक है बच्चों, वेट एंड वॉच। तो गाइज, ये सेंटेंस जो आप देख रहे हैं हिंदी में दिए गए हैं, कुछ प्रेजेंट के हैं, कुछ पास्ट के हैं और कुछ फ्यूचर के हैं। इनको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, इसका बोल बोल कर प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, लिखेंगे, इसको कॉपी में नोट भी करेंगे। तो लिखना, पढ़ना, बोलना, तीनों काम आपके लिए। ठीक है, तो हैव और हैज़ का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया था, इसमें अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और डाउट नहीं है तो फिर दिए हुए होमवर्क को आपको कंप्लीट करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव था, तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, बाय बाय।